हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और आज का मौसम भी साफ है और अब धीरे धीरे गर्मी होने लगी, तो सर्दी थोड़ी जा रही है। अभी तो थोड़ा सी ना शाम को ही या तो सुबह के टाइम में थोड़ी सर्दी होती है, बाकी दोपहर को तो पूरी गर्मी होती है। तो अब शाम में बैठते हैं, धूप में जाते हैं, फिर धूप में जाते हैं गर्मी लगती है, शाम में सर्दी लगती है। बाकी अब छाँव में ठीक है ना, तो पहले लगती थी। बाकी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आइयो, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक फेस भी अजीब सा होने लगा ना, अब क्या होता है ना, जैसे अब ये मतलब गर्मी से आ रही है ना, तो इसमें पसीना सा आ रहा है, अजीब सा आपको थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक सा। ऐसा नहीं है, ये तो मौसम के हिसाब से होता है ना। तो अभी सुबह सुबह तो ठीक दिखते, दोपहर को जब धूप पड़ती है ना तो फेस पे जब अजीब सा हो जाता है, पता नहीं कैसा है। और आज के आप लोग देखते हैं हमारा कैसा होगा, तो स्टार्ट कर दिया है। अभी वहाँ से बनाता ना सही लगता है, ट्राइपॉड से ऐसे पूरा ना पीछे वाइड एंगल मस्त आता है पूरा, जैसे आपको ऐसे देखेगा वो पूरा। और हाथ से थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। तो अभी खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो अभी थोड़ा आज घर का काम करना है मेरे को, इसलिए अभी नहाया भी नहीं हूँ मैं, तो काम करके फिर ही नहाएंगे। तो काम आपको बताता हूँ, थोड़ा रुक के बताता हूँ, थोड़ा मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ, फिर आपको मस्त देखेंगे। तो घर का काम करना है, थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगा, ज़्यादा नहीं कर सकता, तो थोड़ा थोड़ा करूँगा। अभी काम ही करना पड़ता है, खुद को भी हैंडल करना पड़ता है कैमरा, तो खुद को उठाना पड़ता है। इस कारण थोड़ा थोड़ा सीन आपको मैं दिखाऊंगा, उससे में आपका मनोरंजन होगा और मेरा काम भी होगा, साथ में ब्लॉग भी बनेगा। चलो मिलते हैं बाद में, खाना वगैरह खाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइज, मैंने काफ़ी दिन पहले, आज से 7-8 दिन पहले यहाँ पर एक नई फसल लगाई थी, गुवारे की। गुवारे की फली होती है ना, हम खाते हैं फलियाँ, तो आप लगाई थी। अब थोड़ी थोड़ी उग चुकी है और आपको मैं दिखाता हूँ अभी। और यहाँ पर हम सब्ज़ी कम होने नहीं देते, अब जैसे गर्मी आ रही है ना, गर्मी की सब्ज़ी बेलें वगैरह लगा दी, तो खीरे की, तरह की और टमाटर के भी लगा दी यहाँ पे, और करेले की इधर इधर लगा रखे बेलें, जो जहाँ पे वो बकैन पट्टी थी ना बड़ी वाली, तो उसको उसको टा के वहाँ पे मस्त लगा दिया। वो तो ही नहीं, वो तो नहीं दिखाऊँगा, जब निकली वो दिखाऊँगा। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो यहाँ पर लगाई है, उस साइड में लगाई है, तो दूसरे कैमरे से दिखाऊंगा। इतने इतने पत्ते निकल चुके हैं। और क्या होता है ना, यहाँ पे सब्ज़ी अच्छी हो जाती है, हमारे पास में स्पेस अच्छा है ना, घर का स्पेस होने के कारण हम सारी यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी लहसुन बहुत महंगा चल रहा है, तो फिलहाल अभी देख ये सारा दिखा ना, अरे अरे आपको ये लहसुन है, ऊपर से भी हम इसको तोड़ के खा सकते हैं ना, चटनी वगैरह मंगा सकते हैं। ये पत्ते होते हैं, इनको इनको काट के यहाँ इसमें चटनी बन जाती है, और बाद में ये सूख जाएगा ना, फिर इसको लहसुन वगैरह निकाल लेंगे, तो ये भी अच्छी बात होगी ना, घर पे मस्त हो जाता है। और आज थोड़ी यही बात करते हैं हम, और बाकी इधर ये स्पेस तो खाली होगा, तो इसमें कुछ और लगाएंगे। अभी सरसों देख लो, इतनी सारी सरसों हैं, तो अभी तो ये हरी है, तो पीली हो रही है, फिर इसको काटेंगे, फिर घर के लिए तेल निकाल लेंगे ना इसका, ये काफ़ी सारी हो जाएगी, अभी तो पता नहीं कितनी होगी, फिर इसको इकट्ठा करके तोड़ लेंगे, फिर पता चलेगा। तो यहाँ पे पास में चक्की है, तेल निकालते हैं सरसों का, उनसे तेल निकाल लेंगे, ये भी काम हो गया ना। तो और ये भी देखो, मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले, आप भी ये काम कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा दिखाया इसमें, तो ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा निकले पत्ते, तो बस 10 के बीज डाले थे, उसमें कुछ निकल चुके हैं, तो मैंने आपको दिखा दिए, काफ़ी अब थोड़े दिनों बाद में बड़े हो जाएंगे वो। और आप ये काम कर सकते हो, आपके पास स्पेस है, अगर नहीं है आप बना सकते हो कैसे करके, तो छोटा सा बना सकते हो, एक बार आपको बीज लाने पड़ेंगे। फिलहाल ये आप जैसे घरों में लगभग बीज मिल जाते हैं, टमाटर का यूज़ करते हो, प्याज का करते हो, लहसुन का करते हो, बस उन्हीं को लगाना है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करना। मतलब एक बार सब्ज़ी मार्केट से लाते हो ना, उनको उनके बीज निकाल लो कैसे वगैरह, सुखा के वगैरह कोई बीज बो दो आप, और बस रुत के साथ बो दो, फिर जल्दी आप उनमें बाद में वो सब्ज़ी खा लो ना, लास्ट में बचती है उनके बीज और पका लो, इससे बीज बढ़ते जाएंगे आपके पास में। मैं ऐसे ही करता हूँ, जैसे ये अब लगा दिया ना, ये जैसे सरसों लगा दी, इनमें सरसों निकलेगी कुछ रख लेंगे, जैसे लहसुन है तो इनमें रख लेंगे,
धनिया रख लेंगे, ऐसे बाद में अगले साल भी उसको बीज देंगे। ऐसे कोई करेले लाते हैं, टेंट सी सब्जी सारी, ये सारी लगा रखी है मैंने। जैसे इसकी हमने सोगरे हैं, इसकी रुत गई ना, इसको हटा के इसमें मस्त सब्जी लगा देंगे। और आगे वाली जैसे गर्मी आएगी, गर्मी की, और चलो मिलते हैं बाद में, काफ़ी स्पेस है हमारे पास में, चलो मिलते हैं। तो गाइज अभी आ गए हम अपने रूम में, और अभी एक काम करते हैं। तो मेरे को याद आ गया, तो कल रात को मैं शाम को एडिटिंग कर रहा था ना, तो ये रोशनदान बना है ना ऊपर रूम में, तो ये ओपन है, तो ये क्लोज नहीं ओपन है, तो इसको अपनों को कवर करना पड़ेगा। रात को अंदर लाइट जगती है ना, बाहर अंधेरा होता है, अंदर लाइट जगती है तो मच्छर आ जाते हैं, तो रात को परेशान करे थे, तो इस कारण गेट तो बंद कर लेता हूँ, ये विंडो भी बंद कर लेता हूँ, पर ऊपर वाला है रोशनदान, उसमें कुछ लगा नहीं हो, इसलिए हम उसको ना कुछ कागज वगैरह से या कुछ बढ़िया चीज़ से ओपन कर, क्लोज कर देंगे, बंद अच्छी तरह ढक देंगे, जिससे क्या होगा ना, बाहर लाइट नहीं जाएगी और बाहर से मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। रात को आ रहे थे तो इस कारण पर मेरे को आज टाइम मिला है, तो रात को कर नहीं पाया मैं, और मैं लेट ही सोता ना, 11-12 बजे तक सोता हूँ, तो एडिटिंग करता रहता हूँ, कुछ और करता रहता काम, तो इस कारण फिर रात को दिक्कत आ गई थी। तो अब लेट जगती तो आ जाते मच्छर, तो अब क्या करेंगे, तो ऊपर वाला रोशनदान है आपको दिखाता हूँ, सामने सब गेट ओपन है तो ज़्यादा उजाला आ रहा है, इसको बंद करके दिखाऊंगा ऊपर वाला, तो उस पर कागज़ वगैरह कुछ मस्त लगा देंगे, जिससे साथ में क्या है ना, अब सीजन आने वाला आंधी का, तो आंधी तूफान वाला सीजन आएगा ना, फिर धूल मिट्टी उठेगी, तो वो भी सही है, गेट तो बंद हो जाते हैं, फिर ऊपर वाला ओपन रहेगा, इस कारण धूल मिट्टी अंदर आएगी, दिक्कत करेगी, इसे इसको क्लोज कर देते हैं। मैं अब दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ कैसा है, फिर इसको मस्त करेंगे। तो गाइज अभी गेट बंद कर दिया मैंने, और वो देख रहे हो ना आप सामने केवी वाला, ये रोशनदान ओपन है, तो सामने से वाईफाई की तार आ रही है, तो ये ओपन है, इसमें साथ में धूल मिट्टी आती है, आंधी वगैरह आती है ना तब, और शाम को ये जैसे रोशनी लट्टू की बल्ब की बाहर जाती है ना, तो मच्छर वगैरह तो अंदर आ जाते हैं, और ये गेट वगैरह तो मैं बंद कर देता हूँ, इससे आ जाता है। अब क्या करेंगे, अंदर की साइड में कुछ ऐसा लगा दें जिससे ये बंद हो जाएगा, और अभी वैसे भी जरूरत नहीं है ना इसकी, इस कारण बाद में इसको ओपन कर लेंगे कभी जरूरत पड़ेगी, तो करते हैं काम शुरू, और साथ में ब्लॉग करते हैं, साथ में काम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लगाना ना, वो मैंने ढूंढ लिया है, तो यहाँ पे एक गट्टा है, तो नुआ है वो, तो जब नुआ है गट्टा, फ्रेश गट्टा, उसको काट के लगा देंगे, तो इस कारण अंदर की साइड में लगाएंगे। तो पहले तो मेरे को वो इसका नाप लेना पड़ेगा इसका, और फिर इसको कटिंग करेंगे, इसकी फिक्स फिक्स कटिंग करेंगे ना, और अब मेरे को स्टेयर जानी पड़ेगी, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के इसका नाप लेंगे, फिर इस गट्टे को काटेंगे मस्त, और अंदर की साइड में लगाऊंगा, बाहर को लगाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, अंदर की साइड में लगाऊंगा, साथ में किसी को पता भी नहीं चलेगा, अंदर से पता चलेगा, बाहर से पता नहीं चलेगा, तो ये बाहर से थोड़ा सा ऐसा देखेगा, तो अंदर की साइड में लगाएंगे। चलो काम शुरू करते हैं, कम बोलते हैं, काम पे लगाएंगे।
मैंने दो पलटे काट लिए और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है तो गट्टे ही, पर अब को मार्केट में लगा के कोई अच्छी चीज़ लगाएंगे ना, फिर फालतू पैसे लग जाएंगे और इतना बड़ा काम ही नहीं करना है। तो वो हम आपको फ्री करते हैं, जुगाड़ कर लेंगे। ये गट्टे हैं, ये नए गट्टे हैं, वैसे आपको दिख रहे हैं थोड़े से। तो अभी इसको काट के अंदर साइड लगा लेंगे ना, बारिश हमें दिखता है। वैसे बारिश कहाँ पर लगेगी, इसके ऊपर से पूरा कवर्ड है ना, तो अंदर से लगा देंगे, बाहर से नहीं दिखेंगे। चलो ये लगा पे लगाते हैं। तो ये दो है मेरे पास में, इसमें तो एक ही लगेगा, तो बाकी एक्स्ट्रा है मेरे पास में, तो दूसरे कमरे में लगा देंगे। तो एक एक अपन अंदर साइड चलते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। I got nightmares in my head. Guys, finally मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, और ज़्यादा कोई काम नहीं था, बस रोशनदान को क्लोज करना था। तो साथ में मिट्टी वगैरह आ रही थी, साथ में शाम को मैं देर तक सोता ना, 11-12 बजे तक, फिर लाइट जगती रहती है, बाहर अंधेरा हो जाता है, फिर मच्छर वगैरह अंदर आ जाते हैं, तो इस कारण मेरे को वो कैसे करके बंद करना पड़ा। और मैंने मेरा काम कर दिया है, और आप लोगों ने पिछली क्लिप में देखा होगा, तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। और बाकी मिलते हैं बाद में, चाय पानी पीता हूँ मैं। और मैंने दूसरी ये हरी शर्ट में बनाई थी, वो उतार दी थी ये वाली ना, फिर मैं नीचे बड़े काम कर रहा था, मिट्टी लग रही थी, इस कारण ये अभी डाल लिया मैंने। चलो मिलते हैं, चाय पानी पीता हूँ, फिर आगे का आप लोग देखते हैं। तो गाइस अभी ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया है, और अभी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम किया था मैंने। तो मैं रेलवे स्टेशन पर गया था, तो किसी को पिक करने गया था। तो आपको पता है मेरे पास में वो बाइक वाला तो नहीं है, ऑर्डर किया हुआ है, अगर वो आ गया 25 तारीख लगभग, कभी 7-8 दिनों बाद में आएगा, फिर हम हेलमेट में अटैच करके मस्त ब्लॉग बनाएंगे, फिर हम मोटो ब्लॉग भी बनाएंगे बाइक पे, और कहीं मैं उतर के आगे जाऊँगा तो भी वो शूट होगा। अब साइकिल पे बनाता हूँ ना, साइकिल पे तो मैं साइकिल पे रखता है वो, तो कहीं उतर के जाना हो ना साइकिल से, फिर मेरे को हाथ से ऐसे मना रहा, ऐसे मनाना पड़ता है। तो किसी को पिक करने गया था, तो स्टेशन पर छोड़ के आया था, और बाद में उसको लेके भी आया था, तो इस कारण अब बाइक पे भी मना ही नहीं सकता। साइकिल पर मैं एक हाथ से मना लेता हूँ, जैसे एक हाथ में स्टेयरिंग होता है, हैंडल होता है एक हाथ में, दूसरे हाथ से मैं आगे से सीन बना लेता हूँ, पहले बनाता भी था। तो अब बाइक पे नहीं बना सकता ना, बाइक पे कंट्रोल पूरा करना होता है, आगे से अचानक कुछ भी आ जाए, पशु वगैरह आ जाए, कोई बंदा आ जाए, तो इस कारण पूरा रिक्श होता है, और इस कारण मैं फिर बाइक पर रिक्श नहीं लेता। तो मैं साइकिल पर ज़्यादा, साइकिल पर आराम से चलते ना, इस तरह बना लेता हूँ। और अभी मैं चाय वगैरह पी रहा था, तो वहाँ पर आया था, और आगे का आप लोग आने शुरू करेंगे। Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I wanna